दोस्तों पीएफ की हिस्ट्री सीरीज में आपका स्वागत करूंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले क्लेम स्टेटस कैसे नजर आता था, आज के टाइम में क्लेम स्टेटस कैसे नजर आता है और आगे आने वाले टाइम में और क्या अच्छा बदलाव हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। आपको यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल पीएफ का काम दिखाता हूँ, सिखाता हूँ। आप खुद का काम कीजिए या फिर औरों का काम कीजिए, कंसल्टेंट बन जाइए, बाकी लोगों का भी आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये है 2020 की, ठीक है। आप यहाँ देखिए कि जब 2020 के अंदर हमें क्लेम स्टेटस चेक करना होता था और अगर हमारा क्लेम रिजेक्ट होता था तो हमें यहाँ पे स्टेटस में कुछ भी रीजन नहीं आता था। अगर हमें इस रीजन को देखना है तो हमें जाना पड़ता था क्लेम स्टेटस की वेबसाइट पे। लेकिन वहीं पे अगर आप आज के टाइम पे देखेंगे तो आज के टाइम पे आपको ये सुविधा मिल गई है कि अगर आपका क्लेम रिजेक्ट किया जाता है तो आपको यहीं पे लिख के दे दिया जाता है कि किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये छोटा कंपेरिजन आपने देख लिया। अभी इसमें कमी क्या है? कमी है अगर आप नीचे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रांसफ़र के रिक्वेस्ट अगर आप आज के टाइम पे भी लगाते हैं, 4 सितंबर 2023 को मैं बना रहा हूँ, तो आज के टाइम पे भी अगर आपका ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट कैंसिल होता है, रिजेक्ट होता है, तो यहाँ आपको रीज़न नहीं बताया जाता है। आपको इस रीज़न को देखने के लिए क्लेम स्टेटस की वेबसाइट पे जाना होता है, वहाँ जाके आपको चेक करना होता है। इतनी चीज़ अगर आप समझ गए हो तो मैं आगे आपको बताऊँ। तो देखो मैं आपको यहाँ वीडियो दिखा देता हूँ, पहले हम कैसे करते थे। मान लो कि हमारा क्लेम रिजेक्ट हो गया तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे चीज़ें देख ली और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम जाते थे पीएफ की पासबुक में। तो अगर आप यहाँ पीएफ की पासबुक में देखेंगे तो यहाँ हमें जो रीज़न समझ आता है वो हम देख कर कर देते हैं। मैं यहाँ जो आपको कह रहा हूँ बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जितना बोलूँ उतना कम है। यहाँ पे देखो ये जो सेकंड वाला रीज़न है ना, सेकंड वाला रीज़न, ये कभी भी किसी भी क्लेम में आपको ध्यान नहीं देना होता है। ये बिल्कुल ही गलत ऑप्शन रहता है। जब भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो तो जो आपको पहला नंबर ऑप्शन आ रहा है उसी ऑप्शन को आपको मेन रीज़न मानना है, दूसरे वाले ऑप्शन को आपको बिल्कुल ही इग्नोर करना है। दूसरे वाला ऑप्शन आपको देखो, उनके पास ना दो जगह होती है भरने के लिए, तो वो क्या करते हैं, पहली जगह में जेन्युइन रीज़न भरते हैं और दूसरी जगह में जो भी उनके फिंगर पे टच करने को होता है वो इसे टच कर देते हैं। तो 2020 के अंदर क्या होता था, 2020 के अंदर एक कॉमन फॉर्मूला होता था उनके पास कि ये वाला सर्टिफिकेट वाला मैसेज भेज दो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी सर्टिफिकेट वाला मैसेज भेजा हुआ है, यहाँ पे भी सर्टिफिकेट वाला मैसेज भेजा हुआ है। तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी। अगर हम आज 2023 की बात करें तो हमारे पास एक कॉमन प्रैक्टिस है जहाँ पे ये सेकंड वाले रीजन के अंदर फादर नेम मिसमैच का डाल देते हैं। तो आपको अगर सेकंड वाले ऑप्शन में जो भी रीज़न आ रहा हो आप पूरी तरह से उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर कोई पहले वाले रीज़न आपको नज़र आ रहा है आपको उसी को ठीक करना है। जैसे इस केस में यहाँ पे ये हुआ था कि चेक साफ नहीं लगाया जा रहा था तो इस वजह से रिजेक्ट हो रहा था, तो हमने इसका चेक साफ से लगाया और उसके बाद इसका काम हो गया। मैं यहाँ पे आपको ये जो वीडियो है ये 9 मिनट की है, मैं आपको यहाँ पे भगा भगा के दिखा देता हूँ ताकि आपको ये रहे कि भाई हमने इस मैटर में क्या किया था। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सा यहाँ पे इसका फॉर्म दोबारा भरना है। फॉर्म दोबारा भरने के लिए हमने साफ सा चेक लगा दिया, चेक बढ़िया से देख के हमने लगा दिया और इसका काम हो गया। तो हमें इसी तरह से काम करना होता है। मैं जनरली जो भी वीडियो बनाता हूँ ये उन्हीं की होती है जिनका मैंने एक्चुअल में काम किया होता है, और इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस छोटे चैनल को बड़ा करने में हेल्प कीजिए। देखिए आपके सामने कुछ नंबर्स अभी यहाँ बढ़े थे, लेकिन मैं आपको यहाँ जो जानकारी दे रहा हूँ पीएफ की, वो एक नंबर जानकारी दे रहा हूँ। तो हमें इस चैनल को एक नंबर पे लाना है। इसे एक नंबर पे लाने के लिए इसके आगे जीरो लगाने की ज़रूरत है, और जीरो लगाने के लिए आपको यहाँ पे लाइक करना पड़ेगा। तो मैं लाइक का बटन दबा के देखता हूँ। हाँ, लाइक ऐसा कुछ लाइक बनता है शायद, तो आप समझ रहे होंगे ये लाइक का बटन है। मान लीजिए ये लाइक का बटन है, ठीक है, ये हाथ हो गया, कुछ और ना बन जाए। तो यहाँ पे आपको मैंने लाइक के लिए रिक्वेस्ट किया है। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन एक नंबर लगे तो आप चैनल को एक नंबर बनाने में हेल्प कीजिए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो कमेंट खुला हुआ है, कमेंट कीजिए। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली जानकारी वाली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।